दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पहले मैच के बाद दूसरे मैच को भी टीम इंडिया अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, गाबा के बाद एडिलेड ओवल में पिंक बॉल से होगा अब बॉर्डर गावस्कर का सबसे बड़ा घमासान। दूसरे टेस्ट मैच में वापसी को तड़प रही ऑस्ट्रेलिया ने रच लिया है नया मास्टर प्लान। कप्तान रोहित की वापसी से टीम इंडिया की ताकत हो चुकी है दोगुनी। पूरा क्रिकेट जगत है इस महामुकाबले का गवाह बनने को तैयार। तो आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच कब और कहाँ पर खेला जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में इस मैच से संबंधित पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रूप में खेली जा रही है, जिसका पहला मैच पर्थ के मैदान पर खेला गया और इस मैदान पर भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराने के साथ 295 रन से जीत दर्ज कर ली है। इस मैच पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 104 रन पर ऑल आउट किया। तो वहीं दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 487 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद पारी को घोषित कर दिया और 533 रन की लीड हासिल कर 534 रन का लक्ष्य दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 238 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके साथ ही भारतीय टीम ने 295 रन से जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम किया, पहला मैच अपने नाम किया, जिसके बाद अब दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है जो इस टेस्ट सीरीज का इकलौता पिंक बॉल डे टेस्ट नाइट टेस्ट मैच होगा। तो चलिए दूसरे टेस्ट मैच के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड के एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। हालांकि इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच 13 मैच खेले गए हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 मैच के अंदर जीत दर्ज की है तो वहीं भारतीय टीम ने 2 मैच के अंदर जीत दर्ज की है। तो वहीं एक मैच ड्रॉ रहा है, जहाँ पर इस मैदान पर भारतीय टीम ने सबसे शर्मनाक 36 रन पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो वहीं इस मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस मैदान पर तेज गेंदबाज को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और बल्लेबाजों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है। हालांकि इस मैदान पर तीसरे दिन से स्पिनर काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। तो वहीं जब यह मैच खेला जाएगा तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी और इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। दोस्तों, अब लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड के ओवल स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान टॉस का समय 9 बजे का रहेगा और लाइव स्ट्रीमिंग सुबह 8:30 बजे से हो जाएगी। इस दौरान टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री में देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बारे में बात की जाए तो यह मैच आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस दौरान डिज्नी हॉटस्टार हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हरियाणवी और मराठी जैसी तमाम भाषा में मैच दिखाने के लिए तैयार है, जिसका लुत्फ आप आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों, यह मैच इतना एक्साइटिंग इसलिए भी है क्योंकि पिछले मैच में ही सब नहीं देखा, क्योंकि ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी और ऐसा ही इतिहास भी दोनों के बीच का रहा है, जहां दोनों टीमों के बीच अभी तक 108 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जहां पर इस बीच भारतीय टीम ने 33 मैच में जीत दर्ज की है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 47 मैच में जीत दर्ज की है। इसके अलावा 29 मैच ड्रॉ खेले गए हैं। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आंकड़ों के बारे में बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 सीरीज खेली गई हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 10 सीरीज को अपने नाम किया है और 5 सीरीज को गवाया है और 1 सीरीज ड्रॉ रही है। इसके अलावा दोनों टीमों के 57 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई है, जिसमें 25 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और ऑस्ट्रेलिया को 20 मैच में जीत मिली है और 12 मैच ड्रॉ रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 7 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई है, जिसमें भारतीय टीम ने 3 और ऑस्ट्रेलिया ने 4 सीरीज जीती है। इस बीच दोनों के बीच 26 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 6 मैच में जीत दर्ज की है और 14 मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली और 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछली 4 सीरीज में भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की है। तो वहीं पिंक वर्ल्ड टेस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो कंगारू टीम ने 11 पिंक बॉल टेस्ट अपने नाम किए हैं और सभी में इन्हें जीत मिली है। तो वहीं भारतीय टीम ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें भारत को 3 मैच में जीत मिली है और एकमात्र मैच भारतीय टीम ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ गवा दिया है। दोस्तों, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा आ सकते हैं। तो वहीं मध्यक्रम में स्टीव स्मिथ, मानुष लबुशने और विकेटकीपर एलेक्स कैरी खेल सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर मिशेल मार्श खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर जॉश हेजलवुड, कप्तान पैट कमिंग्स, बोलेंड और मिशेल स्टार्क को खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं स्पिनर के तौर पर नाथन लियोन खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ से भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो तीसरे नंबर पर केएल राहुल को खेलने का मौका मिलने वाला है। इतना ही नहीं, चौथे नंबर पर विराट कोहली को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं 5वें नंबर पर ध्रुव जुरेल खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ में अब विकेट कीपर की भूमिका ऋषभ पंत निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्र अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को इस मैच में भी खेलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में भारत को जीत मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए। दोस्तों, आईपीएल 2025 की ऑक्शन में जब अर्जुन तेंदुलकर का नाम आया तो सब ना सिर्फ पेट पकड़कर हंस पड़े, बल्कि इस बार तो ऐसी हरकत हो गई कि हर टीम का हर खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर का मजाक बना रहा है।
सोशल मीडिया पर उनके नाम के जोक्स की बाढ़ आ गई है। आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर के साथ ऐसा भी क्या हुआ ऑक्शन में, आपको दिखाएंगे वाक्य का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाना भी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का ऑक्शन खत्म होने को आया है। लगभग 500 खिलाड़ियों की बिक्री में से 100-150 का सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके 27 करोड़ के, तो कई अपने बेस प्राइस पर भी खरीदे गए। लेकिन एक ऐसा भी खिलाड़ी है जो दुनिया में महानायक का पूत है, लेकिन उसको लेकर हर कोई मजाक बनाता है। दोस्तों, बात करें अर्जुन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर जी के सुपुत्र आईपीएल में अब तक मुंबई इंडियंस की टीम के लिए डेब्यू तो कर चुके हैं, लेकिन बल्ले और गेंद से एक भी रन और एक भी विकेट कुछ खास नहीं निकला है। इनफैक्ट आईपीएल में जब भी उनका नाम आता है तो सबके मुंह पर ताले तो लगते ही हैं और चेहरे पर जबरदस्त हंसी होती है। और इस बार तो ऑक्शन में बवाल ही हो गया। पृथ्वी शो जैसे खिलाड़ी को फिटनेस के चलते नहीं लिया गया, समझ आता है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जिसका बेस प्राइस 30 लाख था, उसके लिए एक भी बिड नहीं लगाई गई। और इससे पहले कि कुछ होता, मुंबई बिड लगाने के लिए आगे आती, उनका मन भी साफ दिख रहा था, क्योंकि वो भी इस खिलाड़ी से तंग आ चुके हैं। और सब इतने जोर से हंसे कि ऑक्शनर यानी के खिलाड़ियों का नाम बोलने वाली इस औरत ने भी दूसरी बार अर्जुन तेंदुलकर के लिए बिड के बारे में पूछा नहीं, और शर्म के मारे इन्हें अनसोल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। इनफैक्ट दोस्तों, आपको बता दें कि दोबारा जब नाम लिया गया तब भी अर्जुन को खरीदार नहीं मिला और वो आईपीएल 2025 का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इस वाक्य पर अर्जुन तेंदुलकर की जमकर खिल्ली उड़ाई गई, ऑक्शन के रूम में भी और सोशल मीडिया पर भी। फैंस ने तो यहां तक कह दिया कि बाप के दम पर केवल आईपीएल में जगह मिल सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बल पर बार बार जगह मिलती है जो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हें बाहर ही बैठना होगा। और योग्य खिलाड़ी को 13 साल की उम्र में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को क्या वाकई में आईपीएल में खिलाना भी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और क्या उनके साथ सही हुआ या नहीं वो भी। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए यशस्वी जायसवाल ने जड़ा एक ऐसा चमत्कारी शतक जिसे देख पूरी दुनिया कर रही है उन्हें सलाम। छोड़ दिया इस युवा खिलाड़ी ने रोहित कोहली सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से ही 2 दिनों में ही लिख दी है टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिरकार कैसे यशस्वी की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, दिखाएंगे उनकी तूफानी शतकीय पारी का दिल जीत लेने वाला पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी, विराट और राहुल में से कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया तो केवल 150 पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारा खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा बदला ऑस्ट्रेलिया से लिया है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अपने घर पर ही अपनी नाक कटने से बचा नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, पहले तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर टीम इंडिया ने ऑल आउट कर दिया, तो फिर मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल के साथ मिलकर अपने बल्ले से ऐसा हुड़दंग मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उन्हें उनकी नानी याद दिला दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने तो मानो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से किसी बात का बदला लिया है। उन्होंने देखते ही देखते कब टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। केएल राहुल के साथ मिलकर पहले 50 तो फिर तूफानी 100 रनों की शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि उनकी सभी प्लान पर पानी फेर कर टीम इंडिया को दूसरे दिन ही इतनी बड़ी लीड दिलवा दी कि ऑस्ट्रेलिया तो जीत पाने का सपना भी गंवाने लगी थी। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए राहुल ने भी अपनी 50 पूरी की, लेकिन आज तो कहानी और पूरी महफिल लूट गए थे यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्हीं की विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा था कि ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि मिशेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, जॉश हेजलवुड और नाथन लियोन जैसे बड़े बड़े दिग्गज जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है, उनका मजाक बनाकर रख दिया यशस्वी जायसवाल ने। और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने टीम इंडिया को पहले 150 रनों के पार पहुंचाया। राहुल के साथ 150 से अधिक की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, टीम इंडिया को 200 रनों से अधिक की लीड दिलवाई। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी ने राहुल के साथ 172 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, जहां टीम इंडिया की लीड 218 रनों की हो गई थी। तो तीसरे दिन की सुबह भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। आते ही हेजलवुड की गेंद पर सिंगल लेकर दिन की शुरुआत की, तो अगले ही ओवर में दिग्गज मिशेल स्टार्क के गेंद पर